एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, एक्सपेरिमेंटल बाइक पे भाई साहब ने जैसे ही सुना कि गैस सिलेंडर 200 रुपये हरियाणा सरकार ने सस्ता कर दिया है, तो गैस सिलेंडर सस्ता होते ही मोटरसाइकिल को गैस पे करने लग गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इनका गैस का टैंक और किट, आज इसके अंदर पत्ते वगैरह चेंज किए हैं। एस के पोस्टर देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। तो आज एक और एक्सपेरिमेंटल काम किया है एस के पोस्ट सतीश कुमार ने और एक सहयोगी साथी है उनका, जो आज के महंगाई के ज़माने में पेट्रोल की कीमतें रोज़ आसमान को छू रही है, तो उसी समस्या को ठीक करते हुए इन्होंने एक कार्य किया है कि बाइक को गैस पे फिट किया है। तो इसे पूरा जानते हैं कि गैस पे कितना कामयाब रहता है, कैसे चलता है कि नहीं चलता है। अरे भी गैस पे चला के आपको दिखा रहे हैं बाइक, फ्लोरिंग वगैरह आप देख रहे हो, तो थोड़ा सा फ्लोरिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये देखो इनके औजार देख सकते हो काफ़ी अनुभवी मैकेनिक है, ये समय समय पर अपने जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं। और अभी आज इन्होंने जो नया एक्सपेरिमेंट किया है, बाइक को गैस पे फिट किया है और अभी इसका जो वापस पुर्जों को डाल के सेट करके आपको चला के भी दिखाएंगे। तो सतीश कुमार, कितना टाइम हो गया आपको ये बाइक पे गैस फिट करते हुए? गैस फिट करते हुए हमें हुए हैं 4 साल। अच्छा, और अभी बीच में गैस का रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लगभग 1140 का सिलेंडर मिलता था, तो एक बार काम थोड़ा सा डाउन हो गया था। अभी जो आप गैस के ऊपर ये बाइक को चला रहे हो, तो गैस के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर मेन डिफरेंस क्या रहता है बाइक को चलाने का? आप क्यों इसके साथ पंगेबाजी कर रहे हो? पंगेबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम 4 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं, तो बाइक लगभग सही बाइक होती है वही 50 किलोमीटर चल पाती है। अच्छा, और लगभग 40-45 किलोमीटर तक चलती है। अभी गैस लगभग 940 का सिलेंडर आज लिया था, और 940 के सिलेंडर में अपनी 1 किलो गैस के अंदर ये 110 से 120 किलोमीटर तक चल जाता है। कि सीधा सीधा मोटा हिसाब आपका ये है कि 100 रुपये का अगर हम इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, तो केवल आपकी जो बाइक चलेगी 45 से 50 किलोमीटर चलेगी। अगर उतने ही रुपए की हम गैस डलवाते हैं, तो आपकी जो बाइक चलेगी वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलेगी, 120 तक की एवरेज आती है। वैसे 120 तक की मान के चले तो आप मतलब इससे ये दोगुने से भी ज़्यादा हो गया, 200% का सीधा लाभ हो गया। अगर आप थोड़ा सा ये एक मोटा मोटा हिसाब और बता दें, मोटा मोटा ये होता है भी एक महीने का जो पेट्रोल का अपना खर्चा होता है, उस पर अपनी जो बाइक है वो गैस पे 3 महीने चल जाती है। जैसे किसी के महीने के 3000 रुपये लगते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल के तो गैस पे उसके 1000 रुपये 1000 रुपये में हो जाएगा। और उसका जो बाइक का जो आप ये लगा रखा है किट, आपको दिखा रहे हैं ऐसा किट इसमें फिट किया जाता है, तो ये रिस्क कितना रहता है? मतलब इसके अंदर कोई किसी तरह का रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर लो प्रेशर का रेगुलेटर लगा होता है, तो लो प्रेशर के अंदर इसका सारा रिस्क खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाई प्रेशर गाड़ियों के अंदर सेफ्टी भी दी होती है, क्योंकि उनके अंदर हाई प्रेशर के रेगुलेटर लगाए जाते हैं। चलो इसको स्टार्ट करके दिखाओ फिर, वैसे हवा में बात कर रही होगी, मतलब चल रही है कि नहीं चल रही है, कैसे चल रही है, कितना फ़र्क है इसका, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो सतीश ये बताएं कि ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि अगर हम अपनी बाइक को गैस पे करवाते हैं ना, तो इंजन का पूरा खात्मा हो जाता है, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ये झूठ है, कहाँ तक सच है, थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव है इस मामले में। इंजन का ये है कि वो अगर मिस्त्री लगाने वाला सही होगा, तो गाड़ी के ऊपर इंजन पे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। जो कई बार क्या होते हैं, अनजान मिस्त्री होता है। अच्छा, वो क्या करता है कि जैसे इसके पीछे एयर फिल्टर लगे होते हैं, उनके पीछे जहाँ से बाइक सांस लेता है ना, वो क्या करते हैं वहाँ पे कपड़ा ठूस देते हैं, क्योंकि उनसे सेटिंग तो होती है। तो अभी हमने गाड़ी के अंदर क्या किया है कि इसके अंदर जो पेट्रोल पे पहले थी गाड़ी, सेम उसी तरीके से इसके अंदर गैस किट फिट की है। तो इससे क्या होता है कि जो अभी अगर गैस ख़त्म हो जाएगी, तो हम पेट्रोल ऑन करेंगे तो पेट्रोल पे चलती रहेगी, तो इंजन पे इसका मेरी गाड़ी के अंदर अभी लगभग 3-3.5 साल हो गया, अभी तक किसी प्रकार का इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छा,
कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये की बचत, छोटी सी छोटी बचत है ये तो। कम से कम अगर आप रोज़ रूटीन में कहीं जाते हो तो आप 20 से 30 हज़ार रुपये का पेट्रोल आराम से बचा सकते हो, और एक बड़ी बात है सभी के लिए। जो बाइक के शौकीन हैं, बाइक को ज़्यादा चलाते हैं, वो अपनी बाइक को गैस के ऊपर करवा सकते हैं। और पूरा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है कि कैसे आपको करवाना है, कितना आपको टाइम लगता है। अच्छा, ये एक बार किट लगाने के बाद में इसका कितना टाइम तक सर्विस नहीं करवाना पड़ता, कितने टाइम बाद में करवाना पड़ता है ये भी बताएं थोड़ा। किट का जैसे गाड़ियों के अंदर जो सिस्टम दिया होता है तो उनके अंदर भी इस तरह का एक वेपोराइजर लगा होता है। अच्छा, तो इस वेपोराइजर की गाड़ियों के अंदर तो जैसे सिलेंडर भी होती है, 20-25 सिलेंडर के बाद उनकी सर्विस करवानी पड़ती है। और इनके अंदर क्या होता है, ये जो किट होती है इसके अंदर जो पत्ते लगे होते हैं उनको लगभग 1 साल 1.5 साल के अंदर एक बार चेंज करवाना होता है। अच्छा, जो हमने गाड़ियों के अंदर गैस किट लगवाई थी तो 6-7 महीने होने के बाद उनके अंदर साल के बाद कई बंदों के फ़ोन आते थे कि स्टार्टिंग की थोड़ी दिक्कत आ रही है, किसी के अंदर एवरेज की दिक्कत आ रही थी। तो उनमें से बहुत सारे साथी ऐसे थे जो हमारे पास आए, तो जैसे ये किट हमने पहले लगा रखी थी तो इसकी आज हमने सर्विस की है, तो इसके अंदर देखिए पत्ते इनका ऐसा रंग हो जाता है, ये गैस के अंदर जो चिट्टा आता है ना तो इन पत्तों के जमा हो जाता है, पत्तों की जो लचक होती है वो लचक ख़त्म हो जाती है। और लचक ख़त्म होने से क्या होता है, ये सही से काम नहीं करते, फिर स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। तो बाकी इसके अंदर कोई छेड़खानी करने मुझे इतना ही खर्चा रहता है, इसका क्या खर्चा आ जाता है फिर अगर दोबारा से इसका रिपेयरिंग सर्विस हो तो? ये सर्विस का तो अभी लगभग 300-350 रुपये तक का एक साल में आपको मेंटेनेंस चार्ज आपको कम से कम ये तो लगता ही है। और आप अगर बाइक स्मूथ आपको रखना है तो ये आपको एक साल के अंदर भी इसका किट का सफाई वगैरह करवा लेनी चाहिए, ऐसा मैंने माना है। एक साल के बाद आप इसकी सर्विस करवा लेते हो तो नई जैसी हो जाती है, क्योंकि अंदर इसके अंदर रेगुलेटर है जो घरों के अंदर लगे होते हैं, वो लो प्रेशर के रेगुलेटर लगाए गए हैं तो वो ख़राब नहीं होते। वेपोराइजर जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर सिर्फ ये पत्ते हैं, इनको चेंज करना होता है, बाकी इसके अंदर पाइपें लगी होती है तो पाइपों का कोई ख़राब होता नहीं है। तो इसकी मेन सर्विस ये पत्ते हैं, ये चेंज करने होते हैं। तो इन्होंने बताया कि 300-350 रुपये में दोबारा नई जैसी आपकी किट हो जाती है। तो अभी एक और बाइक ये आई हुई है, इसको भी तैयार करेंगे, क्योंकि अगर इतनी बचत आपको महीने में मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके अंदर इन्होंने टैंक फिट कर दिया है गैस का, ये इसका वेपोराइजर होता है, अभी ये सेटिंग कर रहे हैं। कितना चल जाता है मोटरसाइकिल के लिए 1 किलो गैस में, ये 110-120 किलोमीटर से जाता है, 110-120 किलोमीटर 1 किलो गैस के अंदर चल जाता है। और अभी गैस का रेट 200 रुपये हरियाणा के अंदर सस्ती हो गई है, तो लगभग 66-67 रुपये किलो पड़ती है गैस। ये सिलेंडर और सस्ता हो गया है, इस वजह से गैसकेट का काम दोबारा से शुरू हो गया है। हरियाणा के अंदर लगभग फतेहाबाद के पास गांव जांडवाला बागड़ के अंदर एक मिस्त्री है, वो गैस किट लगाते हैं। इधर नाथूसरी चोपटा के अंदर भी एक मिस्त्री है, वो काफ़ी टाइम से 2-3 सालों से गैस किट का काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल के साइड के अंदर ये डिग्गी लगा रहे हैं, इस डिग्गी के अंदर ही ये इसका टैंक और जो किट है वो सारी इसके अंदर ही डाल देंगे, ताकि कोई देखेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये गैस पर है या पेट्रोल पर है। बाइक और आई है गैस के लिए, मतलब कि गैस का काम दोबारा हुआ है, गैस किट का काम दोबारा से शुरू हो गया है। अभी इस बोट साइकिल के अंदर जो हमने गैस किट लगाई है तो वो क्या है कि इसको जैसे हम बंद करेंगे तो ये एक सामान्य जो डिग्गी होती है बाइक की उसकी तरह ही दिखता है, इसको पता नहीं चलता भी गैस किट लगा कहाँ रखी है। कोई दूसरा बंदा देखेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये गैस पे है या पेट्रोल पे है, क्योंकि यहाँ से इसका टैंक ये बंद होने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो दो पाइपें होती है वो हमने यहाँ से इंजन के नीचे से होती हुई ये यहाँ पे एक तो वैक्यूम के लिए आ जाती है और दूसरी ये पीछे इसके अंदर गैस के लिए आ जाती है। तो बाहर से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये गैस पे है या पेट्रोल पर है। यहाँ से बंद कर रखा है, जैसे गैस ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ से इसको टी को ऑन कर लेते हैं और पीछे से रेगुलेटर बंद कर देते हैं, तो अपनी बाइक फिर पेट्रोल पे और गैस पे दोनों पे चलती रहती है।
कुछ मिस्त्री क्या करते हैं कि इसके अंदर पीछे कपड़ा ठूस देते हैं, सांस लेने वाला जो इसके पीछे एयर कैलेंडर होता है उसके अंदर। भाई साहब अपने नाथूसरी गांव से आए हैं आज स्पेशल किट लगवाने के लिए। किट इन्होंने पहले ही लगवा रखी है, दो ढाई साल पहले ये किट लगवा के गए थे। आज इन्होंने क्या है कि ये मोटरसाइकिल इन्होंने चेंज किया है, और चेंज किया है तो ये दूसरे मोटरसाइकिल पर अपनी गैस किट फिट करवाने आए हैं। देख रहे हैं कि बाइक पे स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी तैयार है ये हवा से बात करने के लिए भी। देखिए बाइक चल पड़ी है हमारी, अभी धूप होने के कारण इनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको रोड के ऊपर का व्यू देखना है तो वो ट्राई करेंगे हम दिखाने का। थोड़ा सा आप देख रहे हो कि कितना स्मूथ बाइक इसमें चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और जैसा कि सतीश ने बताया है कि आपका जो 3,000 रुपये का अगर पेट्रोल लगता है महीने में, तो गैस केवल आपका 1,000 रुपये में काम चल जाएगा। और जो किट वगैरह का खर्चा है वो कितना एक बाइक पे आता है? किट लगभग हम यहाँ 4,500 रुपये के अंदर फिटिंग करके पूरा सेट कंप्लीट करके देते हैं। 4,500 रुपये के अंदर आपका पूरा कंप्लीट ये हो जाता है। और ये भाई आए हुए थे टोपका के किट लगवाने के लिए, लगवा के हमको पटरा बाजार खोल के जा रहे हैं। ट्राई मार गया। और अब एक और बाइक यार है, एक और बाइक यार है यहाँ पे अपना किट लगवाने के लिए।